दोस्तों, आपने डिस्कवरी में, यूट्यूब पे और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे आपने आदिवासियों का नृत्य देखा होगा। आदिवासी डांस भी करते हैं, किसी रिकॉर्डिंग डांस पे, किसी पाटा पे, किसी रेला पे, और गोल गोल घूम के नाचते हैं, वाद्य भी बजाते हैं, लड़के लड़कियां या सभी, कहूँगा मैं, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग इस नृत्य में शामिल होते हैं। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि वो डिस्कवरी और वगैरह वगैरह के चैनल देखने के पश्चात अगर आप इस आदिवासी डांस को देख रहे हो तो आपके दिल में एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आदिवासियों में ऐसा डांस क्यों, यहाँ के ट्राइबल लोग ऐसा डांस क्यों करते हैं, ऐसा नृत्य प्रकार क्यों करते हैं। और हद तो इस बार हो गई कि यहाँ पे डिस्कवरी में या और कोई चैनल में यहाँ पे जो आदिवासी कम वस्त्र पहनते हैं उनको भी मस्त जोर से हाईलाइट करके दिखाया जाता है। मैं मानता हूँ कि डिस्कवरी चैनल हर एक कल्चर को बाहर लाना चाहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी समुदाय के कुछ मूल्यों को दुनिया के सामने एक विभत्स प्रकार से लाना। ऐसे बहुत सारे हमारे यूट्यूबर हैं जो कहीं बस्तर जैसे एरिया में जाते हैं, लोगों का डांस देखते हैं, शूट भी करते हैं, लेकिन उनका जो नज़रिया है वो गलत होता है। और एक नज़रिया है कि यहाँ पे एक समझा जाता है कि आदिवासी समुदाय में ना लड़के लड़कियाँ जब नाचते हैं रात में या कहीं त्यौहार के पर्वों पर, तो उनका ये कहना है कि लड़के और लड़कियां वहां पे विभत्स प्रकार करते हैं। और फिर अगर कोई ऐसे डांस करने लगा तो लोग उसको कहते हैं कि तू आदिवासी जैसा डांस कर रहा है। कोई अगर बेकार दिख रहा है तो कोई बोलता है कि तू आदिवासी जैसे दिख रहा है, तू जंगल से तो आया नहीं है। ये मेंटेलिटी के ऊपर आज का वीडियो है। आज के वीडियो में आपको पूरी तरह से यहाँ पे समझाया जाएगा कि नृत्य और पाटा प्रकार है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद को आदिवासी नहीं कहते क्योंकि उनको शर्म आती है। शहरों में जाके बड़े बड़े पोज पे बैठे लेकिन उनको खुद को बताना नहीं आता कि मैं आदिवासी ट्राइबल एरिया से आता हूँ। और फिर इसी का फायदा बहुत बड़े साहित्यकार उठाते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों में विभत्स प्रकार होते हैं, अश्लीलता होती है और वगैरह वगैरह। और फिर इस नृत्य की तरफ सिर्फ एक अश्लील रूप के सामने देखा जाता है, और यह नृत्य जो आदिवासी लोग करते हैं, जो आदिवासी कौम करती है, उसको, उसके सामने तो उसकी वाह वाह की जाती है लेकिन घर में जाके कहा जाता है ये विभत्स प्रकार है। जब भी आप महाराष्ट्र में हो, यही कहीं हो, आपको पता होगा कि डीजे पर ज़्यादा से ज़्यादा मांग भी गुंडी गानों की होती है। लोगों को नाचना पसंद है लेकिन इसके पीछे का इतिहास मालूम करना पसंद नहीं है। और यही जो मेंटेलिटी है वो आने वाले जनरेशन में घुस जाती है, और वो भी जनरेशन आदिवासियों की तरफ ऐसी ही दिखती है। कई मेला हो, कई सम्मेलन हो, रास्ते पे अगर आदिवासी लोग उतर आए, अपनी कल्चर दिखाए और नाचने लगे तो लोग उनकी तरफ देख के हंसते और कहते हैं आ गए आदिवासी रास्तों पर। ऐसे बहुत सारी घटनाएं, ऐसे बहुत सारे लोगों का जो मेंटेलिटी वाला दृष्टिकोण है वो चेंज करने की ज़रूरत है। आपको पता नहीं होगा कि आदिवासी समुदाय में नृत्य कला और गायन कला को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। वहाँ पे नृत्य, गायन और वादन, इन तीन कलाओं में होशियार लोगों को कलागत पारंगत कहा जाता है, और यह लोग अपनी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास आगे की जनरेशन तक पहुंचाते हैं। यह एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे आगे की जनरेशन, आने वाली जनरेशन, जो नई जनरेशन है वो इससे बहुत कुछ सीखती है। चलो, आपने सिर्फ आदिवासी डांस देखा है, मैं आपको बता दूं कि हर त्यौहार, हर पर्व, हर इतिहास में अलग अलग डांस होता है। रेला नृत्य अलग है, उसका डंडार नृत्य अलग है, उसका कुसाड़ी डांस अलग है, उसके अनेक प्रकार है, और यह प्रकार उस तौर पर, उस पर्व पर किए जाते हैं। और इस रेला पाटा में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में, बहुत पहले वीडियो मैंने वो डाला है नृत्य इतिहास करके, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। नहीं देख रहे हो तो इस वीडियो में आपको पूरा समझ जाएगा। जब आप और यहाँ का धर्मों का प्रोपेगेंडा नहीं था ना, तब से यहाँ आदिवासी अपना कल्चर संभाले रखा था। आदिवासियों की किसी के घर की बिजली नहीं चाहिए, किसी के घर का टीवी नहीं चाहिए, किसी के घर का रेडियो नहीं चाहिए। उनकी संस्कृति सर्वपूर्ण इसलिए है कि हर पहलू उनके संस्कृति में हमें मिलता है। आप एक्टिंग करते हो, एक्टिंग का कीड़ा भी वहाँ पर ही है। आप गायन करते हो, आप वादन करते हो, आप डांस करते हो, वो भी कीड़ा वहाँ पर है। और आज मैं आपको गर्व के साथ बता दूँ कि यहाँ पर आदिवासी समुदाय की कुछ लड़कियाँ अभी वेस्टर्न डांस में इतनी माहिर हो गई हैं कि वो अभी रियलिटी शो में भी जाने वाली है। क्यों हुआ ऐसे? आदिवासी समुदाय का नृत्य प्रकार, इसके पीछे एक छुपा राज है जो आपको पता नहीं है। आदिवासी संस्कृति में लिखावट बहुत बाद में आई। जी हाँ दोस्तों, जो हम लिपि की बात करते, कोई दूसरा आ गया और ग्रंथ लिख दिए तो उसने पहला लिखा, ऐसा नहीं है।
लिखावट बहुत बाद में आई, इसके पहले अपनी संस्कृति संवर्धन बोली चाली से होती थी। हमारे जीनियस पुरखों को पता था कि बोली चाली में पूरा इतिहास नहीं समा पाएगा या पूरा इतिहास अगले जनरेशन तक नहीं जा पाएगा, और इसको पाटों में यानी गानों में, इतिहास को गाने में डालो और वो गाना गा के एक स्पेशल डांस करो। और आपको पता है इस डांस से दूसरा मैसेज मिलता है। आप एक देखते हो कि बहुत धर्म है, बहुत जातियाँ हैं, जाति जातियों में दंगे हैं, धर्मों धर्मों में दंगे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय में हाथ को हाथ पकड़ के नाचना, इसका मतलब यह है कि वह सबको समान दर्जा देते हैं, सबको समान बैठाते हैं। समाज में एक रूपता तब आती है जब सब समान हो, और इसे हम कहते हैं समानतावाद। इस समानतावाद पे हमारा संविधान खड़ा है। और दोस्तों हम कहते हैं वहाँ पे अश्लील होता है। जब आपकी दुनिया में स्त्री को तुच्छ समझता था, तब इस दुनिया में आदिवासियों के सरदार स्त्री हुआ करते थे। ये समाज वह है जो स्त्री को पुरुष से भी ज्यादा महत्व देता है, दाई कहता है, मातृशक्ति कहता है, और इस शक्ति की पूजा करता है। आदिवासी लोग मूर्ति पूजक नहीं है तो शक्ति पूजक है, मातृशक्ति, पितृशक्ति, दाई शक्ति, धरनी शक्ति, इसी सभी शक्ति को तो पूजता है आदिवासी इंसान। और एक कहा जाता है कि गोटुल में जो डांस प्रकार है, नृत्य प्रकार है, वहां पे स्त्री को अपना वर चुनने का अधिकार है। जी बिल्कुल, स्त्री को अपने वर चुनने का अधिकार तब से है जब से यहाँ के बाहरी समाज में स्त्री को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, स्त्री को घूंघट के आड़ रखा जाता था, तब आदिवासी स्त्री अपना वर चुनती थी। यह अश्लील नहीं है तो इस संस्कृति का एक बहुत बड़ा पहलू है, जो पहलू इस दुनिया को समानतावाद सिखाता है। कहता है कि स्त्री और पुरुष ऊंच नीच नहीं होते, वो समानता है, और इन दोनों शक्तियों की अगर पूजा करो, प्लस माइनस यानी सल्ला और गांगरा की पूजा करो, इस सृष्टि की पूजा है। और हम कहते हैं नृत्य प्रकार अश्लील है। अश्लील वो होते हैं जिनको इस आदिवासी समुदाय का मैसेज समझा नहीं है, और वो हमेशा कहते रहते आदिवासी समुदाय में अश्लीलता होती है, ये होती है, वो होती है, और इसके लिए भी कारणीभूत कौन है, तो वो यहाँ का मीडिया है। पूरी तरह से आदिवासियों को मूल्यों को खोल के नहीं बताया गया, और यहाँ पे कहा जाता है कि तुम आदिवासी हो, ये हो, वो। टिकटॉक वालों पे भी पिछले साल ये हुआ था, और बहुत लोग कहते रहते हैं, और आदिवासी समुदाय किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन आप हमेशा समझिए कि यह नृत्य प्रकार जो है, अपना पाटा, अपना इतिहास खुद गाने का और खुद नाचने का, और आने वाली जनरेशन को सिखाने का, किसी भी किताब में ना लिखते हुए हजारों सालों से रेला पाटे और इतिहास आदिवासियों के सामने है। अगर आप किसी भी लोगों से जाके पूछो कि तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारा इतिहास क्या है, वो पूरा तो किताबों जैसा नहीं बताएगा, लेकिन अपने भाषा में अपना इतिहास जरूर बताएगा। यही तो हो रहा है। और दोस्तों मैं सभी को एक नम्र निवेदन करता हूँ, जैसे मानव जाति एक है, सभी मानव एक है, तो आपके नज़र में यहाँ का आदिवासी भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपके नज़र में वो आदिवासी इंसान अगर एक गया गुजरा है, बैकवर्ड है, तो आपकी नज़र को साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आदिवासी इंसान भी इंसान है, और वो यहाँ के पर्यावरण, यहाँ के जंगल, यहाँ के पानी और यहाँ के सभी सृष्टि के सभी प्राणियों को मानता आया है, उसको अच्छा रखता आया है, उसको पूजता आया है। तो आज 2020 में प्रकृति हमारे साथ है, तो सभी को निवेदन है इस आदिवासियों को नृत्य कला, गायन कला, वादन कला, जो भी कला है, जो उनकी कला है, उनके कबीलों में किया जाता है, उनके गाँव में, उनके शहरों में किया जाता है, कभी भी देखने का नज़रिया ये ना रखें कि वो गलत है, वो अश्लील है और ये लोग अच्छा काम नहीं करते। आप देखने का नज़रिया बदल लो, आपको पूरी दुनिया बदली हुई नज़र आएगी। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय दिवसी, जय गोंडवाना, जय भीम।